हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को देखने से पहले ही आपको मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। देखिए, मेरे पिछले 7-8 दिन की कड़ी मेहनत, मेरे बेस्ट परफॉर्मेंस, मेरे बेस्ट एफर्ट्स के बाद में यह वीडियो आप तक लेकर आया हूँ। इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो मैं पिछले 7-8 दिन से इस पर काम कर रहा था, वो है इसका टेक्निकल एनालिसिस। इस टेक्निकल एनालिसिस से आप यह आसानी से जान पाएंगे कि TRX स्टोन आपको कितना प्रॉफिट देगा और कितने समय में देगा। तो यदि आपको TRX स्टोन को लेकर किसी भी प्रकार का सवाल आपके दिमाग में उठ रहा है, तो उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखें, और उसी के साथ में यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। देखिए, सबसे पहले अपन TRX स्टोन की बात करते हैं कि TRX स्टोन एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले इस TRX स्टोन की अपन हिस्ट्री जान लेते हैं। तो देखिए, TRX स्टोन, इसके CEO कौन है? जस्टिन सन है। तो पहले ही बता दूं मैं, जस्टिन सन सोशल मीडिया पे हमेशा से पॉपुलर रहे हैं अपने टोकन्स को लेकर, क्योंकि यह BTT, Wink या TRX, यह अपने जितने भी टोकन्स हैं इनके, उन सभी टोकन्स के ऊपर बार बार ट्वीट करते रहते हैं, और इनके ट्वीट करने से ही इनकी प्राइस बहुत अच्छा पंप करती है। जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा कि BTT ने लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, 10 गुना तक दिया है, 5-5 गुना तक लोगों को प्रॉफिट दिया है। तो Wink ने भी इसी प्रकार से प्रॉफिट दिया है, तो TRX भी आपको इसी प्रकार से प्रॉफिट दे सकती है। तो इनको आप सब जानते हैं, इनसे सब आप वाकिफ हैं। अब देखिए, ये जो TRX है वो मैंने लिखा है अंडर कैश फर्स्ट। अंडर का मतलब है ये कैश फर्स्ट के अंदर आता है। अब ये कैश फर्स्ट क्या है वो भी बता देता हूं मैं। मैंने मेरे टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार यहां पर जो मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में जो भी अल्ट कॉइन्स हैं, उन अल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ अल्ट कॉइन्स को कैश फर्स्ट के अंदर बांट रखा है, कुछ अल्ट कॉइन्स को कैश सेकंड में डाल रखा है, कुछ अल्ट कॉइन्स को कैश थर्ड में डाल रखा है। अब कैश फर्स्ट के अंदर मैंने कौन से अल्ट कॉइन्स को रखा हुआ है वो समझ लीजिए। कैश फर्स्ट के अंदर उन्हीं अल्ट कॉइन्स को मैंने रखा हुआ है जिन अल्ट कॉइन्स के अंदर अपने इवेंट्स, अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स के कारण इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, और ये लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं इन फ्यूचर। इनकी ऑलवेज लोगों को प्रॉफिट देने की ही एक वजह के कारण मैंने इनको कैश फर्स्ट के अंदर रखा है। अब देखिए, यदि आप चाहते हैं कि कैश फर्स्ट, कैश सेकंड, कैश थर्ड की वीडियो हम भी देखें सर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। अभी देखिए, अगर TRX की बात करूं कि जो TRX टोकन है, यह TRX टोकन किसके ऊपर रन करता है, तो यह किस ब्लॉकचेन पर रन करता है? यह ट्रॉन ब्लॉकचेन पर रन करता है, और आप सब जानते हैं ट्रॉन ब्लॉकचेन बेस्ट ब्लॉकचेन है। उसी के साथ में यदि मैं बात करूं TRX, ये जो ट्रॉन ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर और कौन कौन से टोकन्स रन करते हैं, तो इसके ऊपर BTT हुआ, Wink हुआ, ये सब भी इस पे ही रन करते हैं। अगर मैं इस TRX स्टोन की अभी जो प्रेजेंट में वॉल्यूम चल रहा है उसकी बात करता हूं, तो इसका जो वॉल्यूम है वो आपको नजर आ रहा है 4 करोड़ के आसपास है। अब देखिए, इसका जो वॉल्यूम है पिछले कुछ दिनों से, पिछले 5-7 दिन से इसका वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। अब यह भी समझना जरूरी है कि यदि वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है। वॉल्यूम यदि लगातार किसी भी टोकन का बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उस टोकन के अंदर एंट्री ली जा रही है, यानी कि मार्केट में उस टोकन को खरीदने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है खरीदने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसी वॉल्यूम के बेस पर मैंने यहां पे दो बात लिखी है, बाय और सेल। बाय का मतलब कौन खरीद रहा है, सेल का मतलब कौन बेच रहा है। अब देखिए, अभी मैंने एरो लगाया एक, फिर एरो उससे बड़ा लगाया, फिर एरो उससे बड़ा, फिर एरो बड़ा, तो मैंने अप ट्रेंड की ओर एरो लगाया मैंने, यानी कि इस बढ़ते वॉल्यूम से अपन ये बात कह सकते हैं कि जो अभी इसको खरीदने वालों की संख्या है मार्केट में, उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इसके बढ़ते हुए वॉल्यूम से ही यह भी अंदाज लगाया जा सकता है कि इसको बेचने वालों की संख्या भी बहुत कम है अभी मार्केट में। अब देखिए, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करता हूं, तो इसकी प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसकी आगे प्राइस कहां तक जाएगी इस बात का।
तो देखिए इसकी प्राइस अभी ऑल टाइम जो हाई प्राइस है वो 22 रुपए 13 पैसे के आसपास गई थी, और ये कब गई, ये 5 जनवरी 2018 को गई। अगर मैं इसके अभी कुछ ही दिनों की ऑल टाइम लो वैल्यू की बात करता हूं तो वह 8 रुपए 25 पैसे के आसपास गई थी, कुछ ही दिन पहले गई थी। अगर मैं इसकी जो प्रेजेंट प्राइस है उसकी बात करता हूं तो जब वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पर इसकी प्रेजेंट प्राइस 11 रुपए 50 पैसे के आसपास है, और इस प्रेजेंट प्राइस के अंदर अभी 4.40% की डिक्रीमेंट या गिरावट नजर आ रही है। अब देखिए मैंने एक बात और लिखी है प्राइस को लेकर कि फ्यूचर शॉर्ट टाइम प्राइस, यानी कि फ्यूचर के अंदर शॉर्ट टाइम यानी कि कुछ ही दिन के अंदर, 5-7 दिन के अंदर ही इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है। ठीक है, तो इसकी प्राइस 14 रुपए से 15 रुपए तक जा सकती है। ये बात कहां से अपने को पता चली, ये बात इस टेक्निकल एनालिसिस से पता चली, मैं बताऊंगा कैसे। और इस जो बात ये जो मैंने बताया इसका एक मुख्य मेन कारण खुद जस्टिन सन भी है, क्योंकि जस्टिन सन ने अभी हाल ही में ट्वीट किया, क्या उन्होंने ट्वीट किया, सून वी विल वेलकम ए न्यू प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही एक न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। और मैंने कहा ना कि जो जस्टिन सन है इनके ट्वीट से ही इनके जो टोकन से उनकी प्राइस बहुत ऊपर तक चली जाती है, तो यह एक रीजन हो सकता है इस टीआरएक्स ट्रॉन की प्राइस 14 या 15 रुपए तक जाने का। और ये अभी जो टीआरएक्स ट्रॉन की जो प्राइस पंप कर रही है उसका भी रीजन यही हो सकता है, मैं बताऊंगा। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट कौन सा है, वो है ट्रॉन सेंचुरी माइनिंग का एक प्रोजेक्ट है। इस ट्रॉन सेंचुरी माइनिंग का जो प्रोजेक्ट है इसके 2 फेज पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, अब यह तीसरा फेज है जो आगे आने वाला है। अब आपको मैं बता दूं कि इसकी जो मार्केट कैप है टीआरएक्स टोकन की वो है, अगर INR के पैर में बात करता हूं तो 731 बिलियन के आसपास। माय डियर फ्रेंड्स, जो मार्केट कैप है इस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ही किसी भी टोकन की क्रिप्टो मार्केट के अंदर रैंक डिसाइड होती है। तो इस मार्केट कैप के अनुसार क्रिप्टो मार्केट में इस टीआरएक्स ट्रॉन की रैंक अभी जो चल रही है वो 19 है। ठीक है, 19। अब यह जो रैंक है क्रिप्टो मार्केट में एक बेस्ट रैंक है, और मैंने आपको पहले ही बताया है जो टोकन्स क्रिप्टो मार्केट के अंदर अंडर 50 या अंडर 30 की रैंक में आते हैं इसका मतलब हुआ कि उन टोकन्स की मार्केट के अंदर पोजीशन बहुत अच्छी है, लोग उनके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे समय तक करते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी एक उम्मीद होती है कि यह प्रोजेक्ट्स हमें बहुत अच्छा इन फ्यूचर प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करता हूं तो देखिए इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 66.67 बिलियन के आसपास है, INR में बात कर रहा हूं। अगर मैं मैक्सिमम सप्लाई की बात करता हूं तो मैक्सिमम सप्लाई का मतलब हुआ कि मार्केट में अब तक ये जो TRX ट्रॉन है इसके कितने टोकन्स मार्केट में अभी तक जा चुके हैं, तो वो है लगभग 99.28 बिलियन के आसपास। इस TRX टोकन की प्राइस बढ़ने का एक कारण यह भी है कि जो जस्टिन सन है वो क्या करते हैं, समय समय पर अपने जो टोकन्स होते हैं TRX टोकन्स होते हैं या जो BTT टोकन्स होते हैं इनको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। और यदि किसी भी टोकन को बर्न किया जाता है तो जो टोकन्स बर्न कर दिए जाते हैं उनकी प्राइस का जो असर होता है, इफेक्ट जो होता है, वो जो सेस टोकन्स बच गए उनके ऊपर पड़ता है, और सेस जो टोकन्स बच गए ना उनकी प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यह बात आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो बताने जा रहा हूं वो है टेक्निकल एनालिसिस। ये जो टेक्निकल एनालिसिस मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए वो लेके आया हूं मैं शॉर्ट टाइम प्राइस के लिए। मैंने पहले कहा शॉर्ट टाइम प्राइस के लिए, लॉन्ग टाइम प्राइस के लिए नहीं लेके आया, मैं लेके आया हूँ शॉर्ट टाइम प्राइस के लिए। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो 2 आवर टाइम फ्रेम पर लिया गया है, और ये मेरा खुद का पिछले 7-8 दिन की बेस्ट, जितनी ज़्यादा कड़ी मेहनत हो सकती थी उसका अध्ययन, उसकी स्टडी करने के बाद मैं आप सभी तक लेके आया हूँ। अभी देखना मैं जो बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुननी है, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई इसका चलना। ठीक है, प्राइस कहाँ से, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना।
यहां तक प्राइस, ये जो लेवल है, ये जो लेवल लगा रखे मैंने, इस लेवल पे इसकी प्राइस टीआरएक्स स्टोन की 7.40 रुपए थी। इस लेवल पर इसकी प्राइस 9.90 रुपए के आसपास थी। इस लेवल पर इसकी प्राइस 11.40 रुपए के आसपास थी। और इस लेवल पर इसकी प्राइस 13 रुपए के आसपास थी। अगर इस लेवल की बात करता हूँ तो इसकी प्राइस 15.38 रुपए के आसपास है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बताया कि इसकी प्राइस जब आ रही थी तो इस जब इस लेवल पर आई टीआरएक्स स्टोन की प्राइस अभी कुछ हाल ही कुछ दिन पहले 7.40 रुपए के आसपास यानी कि इस लेवल पे आई थी। इस लेवल पे प्राइस आने के बाद में इसकी प्राइस में एक अच्छा खासा पंप दिखने को मिला और पंप होते हुए इसकी प्राइस कहाँ तक गई, इसकी प्राइस इस लेवल तक गई 9.90 रुपए तक। मैंने इस लाइन को बता रखा है यहाँ पर कि यह मेजर सपोर्ट है। इस लाइन के बारे में बता रहा है कि मेजर सपोर्ट है। अब आप सोच रहे होंगे सर यह सपोर्ट क्या होता है, और मैंने इस लाइन के बारे में बता रहा है कि यह बिग रेजिस्टेंस है, यह भी रेजिस्टेंस है। तो आपको समझना जरूरी होगा कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए, सपोर्ट का मतलब आप धरती पे खड़े हैं, ठीक है, तो जिस पे आप खड़े हो, मान लीजिए धरती पे खड़े हो या कहाँ पर भी खड़े हो, ठीक है, यदि मान लीजिए आप मकान की छत पे खड़े हो और मकान की छत यदि टूट जाए तो आप क्या करोगे, आप नीचे गिर जाओगे या नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ नीचे गिर जाएगी। तो वो मकान की छत आपके लिए सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। तो जब तक मकान की छत नहीं टूटती है आप नीचे नहीं जाओगे। इसी प्रकार से यदि मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, रेजिस्टेंस क्या है, तो वो होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब हुआ कि यदि यहाँ पे आप छत पे, मतलब आप नीचे मकान में खड़े हैं और मकान से, मकान का जो लेवल है उससे आप ऊपर की ओर उछलना चाहे तो आपका छत से सिर भिड़ेगा और आप वापस से नीचे आ जाएंगे। तो आपको ये जो छत की दीवार है ये आपको ऊपर नहीं जाने दे रही, क्या ऊपर नहीं जाने दे रही, तो यह जो दीवार ऊपर नहीं जाने दे रही आपको, वह यहां पर रेजिस्टेंस का काम करती है यानी रुकावट का काम करती है। अब देखिए 9.90 रुपए यहां तक इसकी प्राइस आई, उसके बाद में क्या हुआ, इसकी प्राइस थोड़ी यहां तक गई, यहां तक दिख रहा होगा आपको, फिर इसकी प्राइस नीचे आ गई, इसकी प्राइस फिर नीचे आई, और नीचे आने के बाद में इसकी प्राइस कहां तक आई, 7.40 रुपए तक फिर दोबारा आई। लेकिन फिर इसकी प्राइस में पंप हुआ, पंप होने के बाद में इसकी प्राइस यहां तक गई, ठीक है। ये जो सपोर्ट है यानी कि इस टीआरएक्स स्टोन की प्राइस को सपोर्ट जहां पे मिलना चाहिए वहां पर ही टीआरएक्स स्टोन की जो प्राइस है उसको रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। जब प्राइस बढ़ रही थी तो यहां पर रुकआउट पैदा हुई और फिर उसके बाद में यहां पर थोड़े दिन के लिए प्राइस कंटिन्यू इसी रेंज के अंदर क्या हुई, मूव करती रही। फिर धीरे धीरे इसकी प्राइस पंप और डंप हुई और इस जो मेजर सपोर्ट था, इस मेजर सपोर्ट के इसी को रेजिस्टेंस यहाँ पे बताया गया, और यह रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद में इसकी प्राइस कहाँ तक गई, 11.40 रुपए के आसपास। यह रेजिस्टेंस है यानी कि इसके प्राइस ने यहाँ पे आने के बाद में इसकी प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हुई, फिर नीचे आ गई, फिर इसको सपोर्ट मिला। देखिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पर इस प्राइस के लिए, ठीक है। इस टीआरएक्स टोकन की जो प्राइस थी 9.90 रुपए 2-3 बार आई, एक बार यहाँ पे आई, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यानी कि यह जो लाइन है इस टीआरएक्स टोकन की प्राइस के लिए सपोर्ट का काम कर रही थी। फिर इसकी प्राइस यहां से पंप हुई और फिर इस जो रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और रेजिस्टेंस को तोड़कर यहां तक आई। आपको देख रहे होंगे आराम से कि यहां पर यह रेजिस्टेंस का काम करा। कुछ दिन पहले इसकी प्राइस 9.90 रुपए से यहां तक भी गई थी और मैंने कहा यह बिग रेजिस्टेंस है यानी कि यह बड़ी प्रतिरोध है, बड़ी रुकआउट है इस टीआरएक्स टोकन की प्राइस को लेकर, ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले ही इसकी प्राइस वापस से ही कहां पे गई थी, 12.98 रुपए के आसपास, यानी कि लगभग इसी रेजिस्टेंस के पास जाकर वापस नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर टीआरएक्स स्टोन की जो प्राइस है इसको ब्रेक, इस लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि यह उसके लिए रुकआउट पैदा कर रहा था। अब हुआ क्या, वहां से प्राइस नीचे आई थी, अभी प्राइस नीचे अभी आई, नीचे आई, और इसके बाद में हुआ क्या, यहां पर इस प्राइस को सपोर्ट मिला। कहां पर? इसको यहां पर सपोर्ट मिला, यहां पर सपोर्ट मिला 9.90 रुपए के आसपास। फिर इसके प्राइस में एक पंप हुआ और पंप होने के बाद में इसकी प्राइस, अब ये जो आपको डॉट डॉट से दो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, इसकी प्राइस इसी रेंज के अंदर मूव कर रही है। अभी ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को इसकी प्राइस ने फिर से ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके अभी इसकी जो प्राइस थी 2 दिन पहले 12.98 रुपए के आसपास गई, यानी कि लगभग इस बिग रेजिस्टेंस के आसपास। लेकिन फिर से इसकी प्राइस ने इस बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाई, इसकी प्राइस यहां से ब्रेकआउट कर नहीं पाई।
फिर ब्रेकआउट नहीं करने के कारण इसकी प्राइस नीचे आई और नीचे आने के बाद वापस से इसी फ्लैग के अंदर इसकी प्राइस मूव अप एंड डाउन करने लगी। अब हो क्या रहा है, अब यहां पर दो कंडीशन बन रही है, यहां पर इसकी प्राइस अप और डाउन कर रही है। यहां पे अब दो कंडीशन बनती है, दो कंडीशन क्या बनती है, एक बनती है 70% चांस के अंदर और एक बनती है 30% चांस के अंदर। 70% चांस इस बात के हैं कि इसकी प्राइस यहां इसको ब्रेकआउट करेगी इस फ्लैग को और इसको ब्रेकआउट करने के बाद में यहां तक पहुंचेगी। यदि इसकी प्राइस ने इस लेवल को यदि ब्रेकआउट किया, 13 रुपए की प्राइस को यदि ब्रेकआउट करती है, तो आपको इसकी प्राइस आने वाले कुछ ही दिन के अंदर 3-4 दिन में ही यहां तक भी जाते हुए नजर आ सकती है। कहां तक, इस लेवल तक भी आपको नजर आ सकती है। और ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 15 रुपए 38 पैसे का। इसीलिए मैंने बताया कि इसकी प्राइस 14 रुपए से 15 रुपए शॉर्ट टाइम के लिए जा सकती है। तो आपको देखने को नजर आ रहा होगा यदि यहां से ब्रेकआउट होता है, और यहां से ब्रेकआउट होता है मोटी बात यही है कि यहाँ पे यह बिग रेजिस्टेंस है, ये इसके लिए बहुत बड़ी रुकआउट है। यदि यह प्राइस इस रुकआउट को तोड़ती है तो इसका मतलब है इसकी प्राइस यहां तक भी जा सकती है। और यदि इसकी प्राइस इस रुकआउट को भी तोड़ती है ना, इसकी प्राइस इस लाइन को ब्रेकआउट करती है, तो इसकी प्राइस आपको थोड़े ही समय में यहां पे 20 रुपए के आसपास भी दिख सकती है। अब लेकिन ये कब की बात है, यह बात है कब की, 70% चांस है कि यह इसको ब्रेकआउट करे और इसकी प्राइस यहां तक जाए। 30% चांस में क्या हो सकता है, 30% चांस में यह हो सकता है कि यह इसको फिर से ब्रेकआउट नहीं कर पाए, और ब्रेकआउट नहीं करने के बाद में यदि है यहां पे आता है और इसके बाद में इसको यहां पर सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसका जो सपोर्ट होगा नेक्स्ट सपोर्ट यहां पे होगा। और यदि इसको यह सपोर्ट मिलता है तो इसके बाद में यह 9 रुपए 90 पैसे इसकी प्राइस होगी, और उसके बाद में यहां पर ही कुछ दिन के लिए पंप और डंप कर सकती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने ये दो केस बताया आपको। अब देखिए यही मेजर सपोर्ट है, अगर इस मेजर सपोर्ट को भी इसकी प्राइस ब्रेक कर देती है तो इसकी प्राइस आप नीचे तक भी देख सकते हैं, ठीक है, और नीचे तक फिर इसको यह सपोर्ट मिल सकता है जो एक छोटा मोटा सपोर्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ आपको इस टेक्निकल एनालिसिस में बता दिया है। मैंने पहले भी कहा है कि यदि आप किसी भी टोकन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्लीज आप किसी भी यूट्यूब पर कितने ही वीडियो देख लीजिए, लेकिन आप टेक्निकल एनालिसिस जरूर देखना उस टोकन का, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस देखने से आपको पता चल जाएगा कि इस टोकन में कितनी रिस्क है कितनी रिस्क नहीं है। यदि आपने बिना टेक्निकल एनालिसिस देखे किसी भी टोकन में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो आपके लिए 100% रिस्क हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमारे को एंट्री लेनी है या फिर हमारे को एग्जिट करना है, यह आपकी स्वयं की मर्जी होगी आपको एंट्री लेनी है या आपको एग्जिट करना है, ठीक है। यहां पर भी एंट्री ले लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई लॉस नहीं होने वाला आपको, क्योंकि इसकी प्राइस ऊपर तक जाने की चांस ज्यादा है बजाय नीचे आने के। और ये आपकी खुद की मर्जी होगी आपको एंट्री लेनी है एग्जिट करनी है। मैं केवल आपको एजुकेशनल के पर्पस से ही आपको वीडियोस दे रहा हूं ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज हो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने का। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मैंने पूरी मेहनत के साथ में ये वीडियो बनाई है तो प्लीज यार आपसे इतनी उम्मीद करूंगा कि आप भी लाइक करेंगे, और इसके साथ में वीडियो शेयर करना, अगली वीडियो आने तक का वेट करना। बाय बाय, टेक केयर।